यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसराइल जाते हैं तो वे अपने साथ अडानी जी को ले जाते हैं, और अडानी जी को वो हाइफा पोर्ट दिलवाते हैं कि बहुत सुरक्षा के महत्वपूर्ण पोर्ट घोषित घटनाक्रम है। इसके अलावा अडानी को ऐसे कई समझौते करने का मौका मिलता है इसराइल की कंपनियों के साथ जो रक्षा उपकरण बनाते हैं और रक्षा के काम में आने वाली चीजें, रक्षा के काम में आने वाले उपकरण बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, उन्हें यह दायित्व सौंपा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर कि प्रधानमंत्री हर बार अडानी को लेकर जाते हैं, और वो रक्षा उपकरण कौन से हैं? पेगासस की बात तो सबके सामने आ गई, पर वो रक्षा उपकरण कौन से बनाए जाते हैं, पैसा दिया के या उतने पैसे की दरकार थी, उतने पैसे देने थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे मामले में बहुत ज्यादा अंडर कवर चीजें चल रही है। अब जो गार्डियन की खबर आई है और जो मामला उठा है उसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जासूसी फर्म जो है इसराइल के 30 से ज्यादा जहां चुनाव होते हैं वे एक सॉफ्टवेयर के जरिए फेक कैंपेन चलाते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं, और इसराइल की जासूसी फर्म ने पूरी टीम लगा रखी है और वो टीम ये सारे कार्य करती है। तो ये हो सकता है, ये कोई अवश्यंभावी और मुश्किल काम नहीं है कि आखिर रक्षा उपकरणों के लिए, रक्षा संबंधी सामग्री बनाने के नाम पर जो पैसा हमारे देश से इसराइल को जा रहा है वो किसके पास जा रहा है और क्या हो रहा है। ये बहुत आराम से संभव है कि ये हो सकता है कि जो पैसा भारत से इसराइल को जा रहा है कि हम रक्षा संबंधी सामग्री बनाएंगे, जासूसी उपकरण हम लेंगे रक्षा में काम आने वाले, वे जासूसी उपकरण सरकार की, वर्तमान सरकार के हितों में कार्य कर रहे हो, और ये संस्था जो है जिस तरह के मिशन चलाती रही है वे मिशन भी बहुत ही गंभीर है, और ये भी बताया गया कि ये संस्था बहुत सारी जांचें करती है, जिसमें फ्रांस का एक एनजीओ है फॉरबिडन स्टोरीज के नाम पर ये कार्य करता है, कई लोग जो इस मिशन में मारे गए या जेल में बंद है उनको आगे बढ़ाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये पूरा मिशन जो है ये भारत के उन लोगों पर भी निगाह रखता है। ये भी कहा जाता है इन द एज ऑफ फॉल्स न्यूज इस नाम पर क्या क्या चीजें होती है इस बात पर भी ये संस्था निगरानी करती है, और फर्जी खबरें बनाने के लिए फर्जी अभियान चलाने के लिए ये न केवल भारत बल्कि यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, मेक्सिको, इन सब देशों में भी काम करती। तो इसराइल के जासूस, इसराइल की मोसाद अपने कार्यों के लिए कुख्यात है, और वो पैसे के लिए और अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकती है, ये बात कही जा